हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई अमन आ चुका हूँ नए ब्लॉग के साथ आपके बीच में। और भाई, आप पीछे देख के सोच रहे होगे मैं कहाँ पहुँच गया। तो भाई, आज मैं आ चुका हूँ हनुमान धाम, जो कि लखनऊ में अभी जल्दी भाई खुला है। तो मैं तो पहली बार आया हूँ। काफ़ी सारे लोग, आप पीछे भीड़ देख सकते हो, बहुत लोग यहाँ पर होकर चले भी गए। तो शोभित आया था यहाँ पे, उससे मैंने पूछा कि भाई कहाँ है, किधर है। मुझे पता था एड्रेस, पर कंफर्म नहीं था, तो उसने मुझे पूरा बताया। अब आपको भी घुमाता हूँ अपने साथ में पूरा हनुमान धाम। जो भाई नहीं है वो बजरंगबली का ऐसे ही भाई दर्शन कर लेना फ़ोन से ही मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो दिखाता हूँ आपको सब। देख, आज संडे है तो सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए मंदिर से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। तो सब लोग भाई मंदिर आए, तो चलिए शुरू करते हैं। दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है भाई अंदर हनुमान धाम के हम। और अब दिखाते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से भगवान की मूर्ति है। आप ऊपर देख सकते हो, ये आदिशक्ति भोलेनाथ शिवलिंग पे उनके चारों तरफ बना है शंकर जी का चेहरा। और इधर गणपति बप्पा मौर्य। और इधर सीधे ठीक सामने ही बजरंगबली हमको दिख रहा है। चलते हैं अब हम अंदर और दिखाते हैं आपको बजरंगबली को। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे कि मैंने बताया था संडे, इसीलिए बजरंगबली आ गए हम अंदर। प्रभु श्री रामचंद्र बजरंगबली। और इधर भोलेनाथ और पार्वती जी। बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई गई है भाई। अगर आप लोग लखनऊ में हो या लखनऊ के बाहर हो तो एक बार ज़रूर आके यहाँ पे घूमना। बहुत अच्छा ही मंदिर बनाई है। दीवारों पे बजरंगबली का ही बनाया गया, बहुत अच्छा डिज़ाइन। और दरवाज़ा देख लो भाई, हम मंदिर से बाहर और चलते हैं अब आप लेके दूसरी तरफ। देखते हैं इधर क्या है। और इधर भी बहुत अच्छी नक्काशी हुई है पत्थरों में, हर तरफ बजरंगबली की मूर्तियाँ। और इधर सामने तो शनि भगवान है, उन्हीं के मुझे लग रहा है कि अलग अलग रूप हैं, जय शनि भगवान। और फिर इधर से अंदर जाने का रास्ता भाई हम अब अंदर। और इधर भी एक मंदिर दिखाते हैं आपको हम। और इधर ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, हर तरफ लोग ही लोग हैं और सब लोग अपनी फैमिली के साथ आए यहाँ पे नीचे जाने के लिए। और जिधर ऐसे जैसे ही आप नीचे जाओगे तो ये गोमती नदी का किनारा है, बहुत तो अच्छा बनाया गया है ये। यहाँ भी भोलेनाथ की मूर्ति एक ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत प्यारी सी बनी है। और यहाँ पे और ज़बरदस्त एकदम। मैं पहले सोचा कि मैं ब्लॉग ना बनाऊँ, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ब्लॉग के कि मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की थी। मैं ब्लॉग बनाने के मूड से नहीं था, फिर अचानक ऐसा लगा कि नहीं भाई, आप लोगों को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि जब मुझे देख के अच्छा लगा तो हो सकता हो आप लोग को भी देख के अच्छा लगे। क्योंकि जो भाई लखनऊ में नहीं है या जो लखनऊ में हो कभी नहीं जानते हैं जगह को, वो आ सकते हैं फैमिली के साथ भाई, बहुत अच्छी जगह है। और हाँ, अगर आप कार से आ रहे हो तो कार थोड़ी दूरी पार कर देना, क्योंकि आज संडे को अगर आप आ रहे हो तो इतना ज़्यादा भाई ट्रैफिक हो जाता है कि हालत ख़राब बिल्कुल। तो उधर भी एक मंदिर दिख रहा है ऊपर, लेक चलते हैं आपको भाई। वहाँ भी कोई कोना छोड़ेंगे नहीं जहाँ आपको हम दर्शन ना कराएं। मेरे ब्लॉग में ही आप पूरे दर्शन कर लेना भाई लोग। लगने लगी गर्मी तो निकाल दिया हम जैकेट ये, और वैसे घूम रहे तो दिखाते आपको ऊपर वाला मंदिर भी हम। चलिए भाई ऊपर। तो ऊपर यहाँ पे हमको श्री कृष्ण जी और राधा जी का मंदिर है। ऊपर से कुछ ऐसा भी हुआ भाई जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम। और ये डिज़ाइन में भी ओम बना है, मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पहले सोचा कि खाली डिज़ाइन है, पर भाई ध्यान से देखने पता चला कि पूरी डिज़ाइन ओम पे मतलब बेस्ड है। और इधर अपने भोलेनाथ ऊपर बैठे हैं, बहुत अच्छी जगह भाई, मतलब सुकून वाली एकदम। अगर आप फैमिली के साथ हो तो झूले का भी मज़ा ले सकते हो भाई आप। और ये पानी थोड़ा गंदा इस टाइम, पर ठीक है कोई बात नहीं। और इधर भजन वजन मतलब अभी बंद है, पर शाम के टाइम बहुत अच्छा भजन होता है यहाँ पे। और वो जो आप बीच में ज्योति देख रहे हो शाम को जलाई भी जाती है, अभी हवा हवा चले तो बंद मतलब बुझ जाएगी। और इधर बहुत सारे लोग भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो चलते हैं थोड़ा नदी के पास और दिखाते हैं आपको भाई, एक से मतलब ज़बरदस्त एकदम व्यू है यहाँ का। देखिए बगल में ही गोमती नदी है लखनऊ की, और बोटिंग भी हो रही है यहाँ पर। अगर जो बोटिंग करना चाहता है तो बोटिंग भी कर सकता है, इधर साइड में बोट भी लगी हैं। ये भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पर भाई अगर आप लोग खाओ तो प्लीज़ ऐसे मत फेंको।
तो इधर डस्टबिन दिया है तो प्लीज डस्टबिन में डालो, ऐसे मत फेंको। भाई मंदिर घूमते घूमते थोड़ा थक गए हैं तो अब आते हैं, हम आ गए भाई के पास मोमोज खाने के लिए। अब खाते हैं मोमोज और उसके बाद दिखाते हैं आपको हम क्या क्या और हम खाने वाले हैं। तो इधर निकल हमारे गर्मा गर्म मोमोज। तो भाई इधर मोमोज खाओ और बोटिंग का मजा लो। मुझे तो पानी से डर लगता है तो मैं तो जाने से रहा, पर अगर आप करना चाहते हो बोटिंग तो कर सकते हो। इधर नारियल पानी है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको खाने के लिए। और अब नारियल पानी आ गए अब हम भेलपूरी खाने के लिए। भाई एक प्लेट हमें बना देना। आ गए हम पानी पूरी खाने। अब हम पानी पूरी का मज़ा ले रहे भाई आ गए खाने के लिए। ये पूरी पिकनिक हो गई भाई हमारे लिए। हनुमान धाम मंदिर आना, सब हमने धीरे धीरे टेस्ट किया है। ले ली भाई मैंने आइसक्रीम। आज तो भाई सही में ओवर ईटिंग हो गई, संडे के नाम पे कलंक हो गया है आज। इस जितना मैं खाया हूँ ज़बरदस्त एकदम। तो भाई आ गए हमारी दूसरी आइसक्रीम, मतलब आज तो हमने हद कर दी खाने की भाई। और इधर लोग बोटिंग कर रहे हैं ज़बरदस्त। हाँ था वो खुद भी करना होता भाई, डस्टबिन में डाले इधर उधर ना फेंके। आपको लखनऊ मेट्रो भी देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला है क्योंकि सब साधु महात्मा लोग दिख रहे हैं। पहन लिया वापस से और इतना ज़्यादा खा लिया हूँ भाई कि एकदम हालत ख़राब। और अब चल रहा हूँ मैं वापस घर। तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक जहाँ भी रहिए खुश रहिए मस्त रहिए। जय बजरंगबली की, राम राम सभी भाइयों को।